गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए घर वाले व्लॉग में। बोरिंग व्लॉग भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि घर वाले व्लॉग में क्या ही रहेगा दिखाने के लिए। देखो क्या होता है ना, जितने भी आप डेली व्लॉगर सबको देखते हो, उसमें क्या होता है ना, एक एक मतलब लाइक कैरेक्टर आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई ऐसा एक रहता है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं वीडियो को लंबा खींच सकता हूँ। लेकिन मेरे सीन में ऐसा नहीं है, मेरे सीन में बस मम्मी है। तो मम्मी को लेके कितना ही मैं वीडियो को खींचूंगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं रहता है, इसलिए मैं ज्यादा ब्लॉग घर में नहीं कर पाता। बाय द वे देख लो, अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो रहा है। मेरा ये रहा इडली और मम्मी का सांबर बड़ा। यही हम लोग का होने वाला है ब्रेकफास्ट। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, और आज का कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बाहर का क्या ही अपडेट दूं मैं आपको, न्यूज में मिल ही रहा होगा। अभी एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो भी होता है आपको बाद में अपडेट देते हैं। हाँ जी, तो जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट दिखाया, ब्रेकफास्ट दिखाने के बाद मैं चला गया था फ्लैट। वहां पे थोड़ा देर मतलब इधर उधर जो थोड़ा बहुत काम था, इतना अफसोस होता है ना, वहां जाकर मैं व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा भी आसपास भी थोड़ा बहुत भी शूट करूंगा ना, मजा नहीं आएगा फिर, इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लेता हूँ कि रहने दो, एक ही बार जब दिखाएंगे तो अच्छे से ही दिखा देंगे। क्या थोड़ा दिखाना, इसमें क्या होता है ना, मेरा सारा दिन वहां चला जाता है। अगर मैं उसको दिखा पाता तो मतलब व्लॉग भी हो जाता वहां पे, लेकिन नहीं यार, इतना टाइम लग गया। इतने टाइम से आप लोग को बोल रहा हूँ रूम टूर दूंगा बहुत जल्द, तो फिर थोड़ा देर और ही सही, इसलिए बिना ब्लॉक किए हुए ही आ जाता हूँ मैं। और वैसे आ गया मैं, और 2-3 दिनों से आप मुझे यही सेम टी शर्ट में देख रहे होगे। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि कोई नया टी शर्ट पहनता हूँ काफी ठंडा सा लगता है, उसको पहनने का मन नहीं करता है। फ्रेश वगैरह होकर भी इसी को डाल लेता हूँ मैं वापस से। वैसे तो मैं और पापा इधर जब बाहर रहते थे तो चाय कॉफी चलते रहता था, अभी 1-2 दिन और देख लेते हैं क्या है बाहर का माहौल क्या नहीं, उसके बाद ही जाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है जाने का। और ये देख लो कॉफी, मैं घर आया तो मम्मी कॉफी बनाकर रखी थी भाई। इस कॉफी के आगे स्टारबक्स और बाहर का जितना भी कॉफी है सब फेल है, ये कॉफी का बात ही अलग होता है। फिलहाल अभी कॉफी पीते हैं, देखते हैं आज क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वैसे ही तो सारा दिन बाहर ही निकल गया, इवनिंग में कुछ प्लान करते हैं। वैसे भी शाम हो ही गया है, 5:30 बज गया, अब क्या ही प्लान करेंगे। हाँ जी, तो बाहर नहीं जाना है बोलकर बाहर आना पड़ा, क्योंकि मुझे आना था एटीएम पैसा लेने के लिए, कैश एकदम खत्म हो गया था, इसलिए एटीएम आना भी जरूरी था। आया ही हूँ बाहर तो कुछ पैक करवा के ले जाऊंगा घर में खाने के लिए। और बाय द वे अगर मैं बाहर आया हूँ तो अकेले तो आऊंगा नहीं, पापा इधर भी है साथ में। और पापा इधर 2 दिन का घर में कैसा टाइम बीता काम पे नहीं जा रहे 2 दिन से, क्योंकि वो भी देख रहे हैं किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन है, क्या है क्या नहीं है, वो सब अभी देखा जा रहा है। वैसा तो कुछ खास है नहीं, रात के 10 बजे तक आदमी मतलब अगर कुछ काम वाम है तो जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल यही बात है, और बाकी तो फिर देखते हैं यहाँ से क्या पैक हो सकता है क्या नहीं, पैक करवाते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी मुगल के सामने पहुँच गया हूँ, ये मेरे पीछे देख लो मुगल, और यहाँ का मुझे तंदूरी चिकन यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, यही मैंने पैक करवा लिया है। खाने का मन था लेकिन अंदर पूरा भीड़ है। ये तो 50% कैपेसिटी था ना रेस्टोरेंट का, भीड़ है। मैंने सुना था रेस्टोरेंट का शायद 50% का कैपेसिटी है, 10 बजे तक 50% कैपेसिटी में बैठा सकते हैं, लेकिन अंदर पूरा पैक है माहौल। और एक चीज है, अभी हम लोग चेक कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग को जब देखे ना इतना भीड़ है, हम लोग सोचे कि चलो दूर जाते हैं कहीं और ऑर्डर कर लेते हैं खुद से, लेकिन जब ऑर्डर करने गए तो हम लोग क्या देखे, 400 रुपया करके है ये। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। हाँ जी, तो देख लो ये इनका प्राइस, चिकन तंदूरी 4 पीस 400 रुपए का दिखा रहा है भाई, और हम लोगों को कितने में मिला है, 250। हम लोगों को 250 रुपए में मिला है ये, और यहाँ पे 400 रुपए का दिखा रहा है। और अगर आप इसको ऐड वगैरह करोगे टोटल वगैरह लगाकर, मेरे को तो लग रहा है घुमा फिरा कर 500 रुपए तो हो जाएगा आराम से, घुमा फिरा कर 500 रुपए हो जाएगा टाइम में। 400 रुपए मतलब इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है यार। पापा आप तो जोमेटो में काम किया, बताओ कुछ बढ़ा देता है प्राइस, ये लोग बढ़ाता है कि जोमेटो बढ़ाता है, ये लोग बढ़ाता है, जोमेटो थोड़ी ना बढ़ाएगा, जोमेटो क्यों बढ़ाएगा, अच्छा जोमेटो नहीं बढ़ाएगा, जोमेटो डिलीवरी में बढ़ाता है। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो देख लो भाई ऐसा भी होता है, ये कहाँ 250 रुपए में मुझे मिल गया। अगर यही चीज अगर आप लोग ऑनलाइन लेते हैं यहाँ पे
तो इसके लिए 400 रुपए 500 रुपए पता नहीं 500 तो लगभग देना ही पड़ता। खैर कोई नहीं, मुझे मिल गया, जाते हैं यहाँ से अब घर के तरफ। और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके अंदर आप देखोगे ना ये एक चटनी है, ये चटनी मुझे बहुत पसंद है, मतलब स्पेशली यहाँ का चटनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे बोला भैया एक एक्स्ट्रा पैकेट दे दो, उसके लिए भी 5 रुपए इन्होंने चार्ज किया। ये अलग से 2 चटनी लिया है मैंने 10 रुपए का। भाई मतलब यहाँ बैठ कर दबा कर खाओ यार, जितना मन उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मतलब पार्सल वाला चीज ही में लूटपाट आ जाता है। नक्को भैया नक्को। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं घर आया और मम्मी देख लो कौन सा मेरा वीडियो देख रही हो, मेरा वाला वीडियो देख रही है मम्मी। ये मम्मी का तंदूरी चिकन, मम्मी का क्या, मैं भी खाऊंगा, दोनों मिलके खाएंगे। हाँ जी, तो प्लेट लेकर आ गया हूँ मैं। और एक चीज काफी मतलब अजीब लगा कि रेस्टोरेंट में जाकर ये आपको 250 रुपए का मिल रहा है और ऑनलाइन ये शो कर रहा है 400 रुपए का। और हम लोगों ने वहाँ पे पूछा भी ये बात कि ऐसा क्यों, मतलब इतना ज्यादा प्राइस अलग अलग क्यों है, तो बोले कि ये पता नहीं इसमें क्या टैक्स वगैरह क्या क्या जुड़ जाता है। भाई ऐसा भी बात नहीं है, टैक्स वगैरह तो जुड़ता है पता है मुझे, मतलब 250 से 300 रुपए हो जाता है इतना मुझे पता है, लेकिन ऑलरेडी रेट वहाँ पे 400 रुपए दिखा रहा है, फिर 400 रुपए में अलग से टैक्स एड होगा, डिलीवरी चार्जेस ऐड होगा। चलो डिलीवरी चार्जेस तो कोई बात नहीं, वो लगे भी तो ठीक है, लेकिन टैक्स वगैरह क्या क्या उसमें ऐड वगैरह होगा, वो 500 रुपए से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कहां मैं इसके हाफ प्राइस में लेकर आया। अब जिस भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे हो एक बार उनके मेन्यू चेक कर लो, पता नहीं मेन्यू का फोटो शायद जोमेटो में मिल जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप वो रेस्टोरेंट में कभी खाए नहीं हो तब तो फिर आप प्राइस को लेकर तो कंफ्यूज ही रहोगे कि पता नहीं जो प्राइस लिया जा रहा है वो जेन्युइन प्राइस है या फिर आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो ये चीज का स्कैम तो हो रहा है मैंने देखा अभी, लेकिन जोमेटो बिना वेरीफाई किए रेट को कैसे कंफर्म कर सकता है कि हाँ इसका इतना ही रेट होगा। ये तो वही बात हो गया ना कि एक छोटा सा 10 रुपए का जूस का पैकेट रख दिए और उसका रेट 100 रुपए लगा दिए, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये रेस्टोरेंट का गलती है या फिर जोमेटो वाले का गलती है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसमें, लेकिन पापा इधर बता रहे थे कि रेस्टोरेंट वाले करते हैं ऐसा, तो अगर आपको आइडिया हो तो आप जरूर बताना। फिलहाल मेरे को बहुत तेज भूख लगा है, मैं खाने जाता हूँ। तो देख लो भैया मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और ये क्या सही लगता है ना मुझे इसका टेस्ट। एक ही प्लेट में हम और मम्मी शेयर करके खा लेंगे। और मम्मी पता नहीं क्यों इतना मुस्की मार रही है, कौन सा वीडियो देख के? अच्छा ये वाला वीडियो, अपना बेटा का तारीफ सुन के हंस रही है। वो हैरी तारीफ किया है ना मेरा, वही सब सुन के साथ हंस रही है। मैं पहले खा लेता हूँ फिर मम्मी खा लेगी। खाने से पहले इसमें थोड़ा नींबू डाल देता हूँ। ओए भाई साहब क्या ही टेस्टी लगता है ना ये। और मैं क्या करता हूँ पता है, ये जो प्याज है ना इसको ऐसे चटनी में डाल देता हूँ, ये तो चलो मिक्स कर ही लेता हूँ मैं, और जो प्याज सब चटनी में डूब जाता है ना वो तो और भी खाने का मजा आता है। हाँ जी, तो कल रात में तो हम लोग खाकर सो गए थे। मम्मी पहले ये बता दो कैसा लगा वो? पहली बार खाए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और चटनी मम्मी चटनी के साथ ही तो चटनी मेन है उसका, मतलब मेन। बाय द वे अभी हम मतलब सुबह ये व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रात में मतलब नींद आ रहा था सो गए जाकर, और जैसे ही सुबह मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट करने गया तो देख लो कौन आया, इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो रोशन जी आए हुए, आर्यन के अंकल आए, और ऊपर से मैंने वीडियो में बताया था ना कि मेरा जो वाइल्ड क्राफ्ट वाला बैग है उसका चैन खराब हो गया, हालांकि वो चेंज हो जाएगा, वारंटी में था, और ये मेरे लिए देख लो बैग भी लेकर आ गए, तो काफी सही है, काम हो जाएगा मेरे को, मतलब बहुत जरूरत पड़ता है काफी सारा, मतलब जैसे फोन गोप्रो पर्स और भी 2-3 सामान रहता है ना मेरे साथ, तो एक बैग होना बहुत जरूरी है। थैंक यू इसके लिए। तो कोई नहीं, अभी आते हैं बैठते हैं, ये बात बात करते हैं थोड़ा बहुत। ये वाले वीडियो को मैं एक काम करता हूँ यही पेंड कर देता हूँ। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो बाय।